प्रीमियम। चलिए जी, बैंक अकाउंट एपेटाइट 100 शेयर्स 14 ईच 1400, 2 शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक, 100 × 10,000 एक्स्ट्रा जो मिला वो एसपीआर है, मींस रीइश्यू के टाइम पे भी प्रीमियम हो सकता है, ठीक है, और होता है। दिस इज व्हाट 400, कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, 300 नहीं 200, यही यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। बिकॉज 300 इज बियॉन्ड 150 शेयर और 100 रुपया भी पड़ा रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे बैलेंस शीट में फोरफीचर कितना दिखाओगे, यस 100 बैलेंस शीट में जो रीइश्यू नहीं हुए, ठीक है, बाकी तो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व दैट इज 200। सो दिस वाज योर 48th इलस्ट्रेशन। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग जो टिपिकल है, ये रीइश्यू के सारे केसेस वाली इलस्ट्रेशन मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने बैक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन करवाया हुआ ऐसा, ठीक है, उस दिन सारे केसेस वाला हम लोगों ने बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था। 57th इज टिपिकल इलस्ट्रेशन, कॉम्प्रिहेंसिव लिखा भी है, सो वी विल सॉल्व 57th इलस्ट्रेशन, हरी अप, देन वी विल सी फ्यू बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। यस शगुन, इट्स नॉट शगुन, इट्स शगुन। 57, ओके डन, नेम इज इमटेरियल, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दैट इज इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशंस कितने की आई, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 3+2, 2 फर्स्ट कॉल एंड 3 ऑन फाइनल कॉल, सी द इंस्टॉलमेंट्स। We received applications of 60,000 shares. हमने प्रोराटा यूज किया, 48,000 जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें हमने 40,000 दे दिया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। ये लाइन समझ आई आपको? प्रोराटा अप्लाइड ऑन 48,000 शेयर्स, रिमेनिंग रिजेक्टेड, डन। इसकी एक्सेस मनी के बारे में एक लाइन लिखी है, पढ़ो एक्सेस मनी की लाइन, देखो मनी ओवरपेड, अब की बार एक्सेस को एक्सेस ना गाके ओवरपेड कह रहा है। ओवरपेड व्हाट? ऑन एप्लीकेशन वाज अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ऐसा ही करते हैं। इस लाइन का यही मतलब है, जो भी एक्सेस है एप्लीकेशन के टाइम पे मिला था वो हम लोग अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। डिफॉल्ट में बाद में देखती हूँ, पहले मैं आपको एक्सेस बता दूं। 48,000 की एप्लीकेशन आई, एप्लीकेशन मनी कितनी मिली, 96,000, क्लियर है, दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मिलनी कितनी चाहिए थी, 40,000 × 2, 80,000, हाउ मच एक्सेस इज विद मी, 16, यहां तक किसी को कोई डाउट है, 16,000 एक्सेस है। एप्लीकेशन की एंट्री में देखेंगे इसका क्या करना, ठीक है। अब एक लाइन पढ़िए, रिफंड का भी बच्चे बता ही दो मेरे को, 12,000 को कोई भी शेयर नहीं मिला तो रिफंड कितना होगा, 24,000। इट मीन्स की एप्लीकेशन की एंट्री में जब मैं ड्यू की एंट्री करूंगी तो 24,000 मैं टू बैंक लिखूंगी, डन। अब डिफॉल्ट देखते हैं, चलिए जी। एक पर्सन था अमृत जिसको शेयर अलॉट हुए थे 1600। बेटा जब कभी भी प्रोराटा का क्वेश्चन, आदित्य यू हैव टू सी हियर, जब कभी भी प्रोराटा का क्वेश्चन है और मेरे पास अलॉटेड शेयर है, इट इज माय ड्यूटी कि मैं इसके अप्लाइड निकालू, मैं पहले इसके अप्लाइड निकालूंगी क्योंकि ये प्रोराटा में इंक्लूड है, मैंने इस पार्टी का एक्सेस देखना है। अलॉटेड इज बीइंग गिवन, मेरे को जरा रेशियो लगवाना, मैं अप्लाइड कैसे निकालूंगी, अमृत के अप्लाइड शेयर 48 डिवाइडेड बाय 40 × 1600, रेशियो पता चली, 6:5 का प्रोपोर्शन है, 8 के टेबल पे, 8 6 8 5, सर 6:5 का प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, 6:5 के प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, जिन्होंने 6 के लिए अप्लाई किया था उन्हें 5 अलॉट हुए, तो मेरे को अप्लाइड ही तो निकालना है, इसलिए मैंने 48 ऊपर रखा, 40 नीचे रखा। जो निकालना है वो आपने ऊपर रखना है, जो बेस बनाना है उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप योर माइंड। हां जी बेटे बताओ मेरे को कितने आएंगे, दिस इज 6, दिस इज 5, 320, बोलो जी कितना, 0, 12, 18, 1920,
इस बंदे ने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बदले में हमने इसे कितने दिए? 16। इस बंदे ने हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दी, पर इस बंदे का ऑलरेडी मेरे पास क्या था? और इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। बाद में वरुण की बात है, वो बाद में देखते हैं, पहले अमृत की बात क्लियर करते हैं। जैसे इसने 1920 के लिए अप्लाई किया, ही पेड टू अस 3840। हाउ मच ही शुड पे? 3200। इस बंदे का 640 ऑलरेडी एक्सेस मेरे पास है। डन। अब कौन मेरे को सोच समझ के बताएगा कि इसका अलॉटमेंट कितना ड्यू हुआ होगा और कितना इसने नहीं पे किया? पहले अलॉटमेंट ड्यू करवाओ। इसका अलॉटमेंट ड्यू 1600 × 5 8000। इस बंदे का ऑलरेडी 640 एडवांस मेरे पास है। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडजस्टिंग एक्सेस। दिस इज द रूल। पहले अलॉटमेंट ड्यू निकालो, देन एक्सेस एडजस्ट करो। 0, 6, 3 यस। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट नॉट बीइंग पेड बाय अमृत, दिस इज द राइट आंसर एंड दिस विल कम इन एमसीक्यू एंड यू विल बी पुटिंग टिक ओवर हियर। यू विल बी फर्स्टली मेकिंग हिज अलॉटमेंट ड्यू, यू विल बी कैलकुलेटिंग हिज एक्सेस। हिज एक्सेस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी इज विद अस, दैट इज 640। ठीक है, वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, मैं वापस थोड़ी ना करूंगी। दैट आई विल एडजस्ट अगेंस्ट द अलॉटमेंट ड्यू फॉर हिम। ठीक है, सो अलॉटमेंट की अमाउंट जब ड्यू करोगे और उसके बाद जब रिसीव करोगे उसमें से ये माइनस करोगे, ना कि 8000। ठीक है, अब मैं पहली 3 एंट्रीज करवा देती हूँ क्योंकि वरुण की बात तो बाद में है, अलॉटमेंट तक तो हम कंप्लीट करके रखें। डन। चलो जी एंट्रीज करो। ये थोड़ा सा हिसाब किताब हमें चाहिए, आई एम कीपिंग इट हियर। बोलो जी कितने की एप्लीकेशन आई? कितने की एप्लीकेशन आई? 60,000 शेयर्स की। 60,000 × 2। ठीक है, करवाओ पहली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर एप्लीकेशन 1,20,000। 24,000 फंड मेरे माइंड में है। ठीक है, 16,000 का आई थिंक एक्सेस था। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें मेरे माइंड में है। चलो करना शुरू करते हैं एडजस्टमेंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल, जो वापस करना है वो लास्ट में लिखना कोशिश करो। 2 शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। चलो जी, बैंक का तो 12,000 एप्लीकेंट्स को कोई भी शेयर नहीं दिया था, 12,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 24,000 वापस, ये 120 है। हमारे पास देने को कितने शेयर है? 40,000। 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके 80, 16। ये बात खत्म। अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट होना था, ये एक्सेस। अलॉटमेंट ड्यू करें विद प्रीमियम 40 × 3 = 120, 40 × 2 करें जी, करवाइए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल 2 SPR। अंशुल मास्क पहनिए और मेरे को सुनिए, बोर्ड की तरफ देखिए प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट। यस, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 40 × 5, 2L I wrote. This is 1.20L and this is 80,000. Any doubt to anyone? अब सोच समझ के मेरी हर बात का जवाब देना। Allotment कितनी due है? 2,00,000। 2,00,000 में से 16 already मिल चुका है। कितना और मिलना चाहिए था? ये नहीं मिला, माइनस कर दो बस। और इसे कॉल सिनेरियर में चाहो तो डाल दो, नहीं डालना तो बैंक से एक एंट्री कर दो ना। ठीक है, माइनस करो और बुक के साथ मैच करके मेरे को आंसर बोलो। पहले मैं माइनस करती हूँ, फिर चेक करो। 0, 4, दिस इज 6, दिस इज 13, 6। देखो इतने से है, 1,76,640 डाल। अगली एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर अलॉटमेंट, अगर चाहो तो कॉल्स इन एरिया डेबिट कर सकते हैं, वैसे डेबिट करना बनता ही है ताकि आपको फोर फीचर की एंट्री में ये अमाउंट याद रहे। ठीक है, तो मैं कॉल्स इन एरिया से ही करवा देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिटेड Calls in area account debited 2 share allotment, कितना था भाई share allotment? 184 मिला। कितना? 176,640, 7,360 नहीं मिला। बात खत्म। एनी डाउट टू एनी वन टिल अलॉटमेंट? वरुण ने आने वाली 2 calls नहीं दी
और आपको पता है कुछ नहीं कहा तो अमृत ने भी दोनों कॉल नहीं दी, क्योंकि अमृत के शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफिट नहीं हुए। पढ़ो लाइन दोबारा, अमृत अमृत से पढ़नी शुरू करो लाइन। आदित्य आपकी बुक किधर है? यू कम एंड सिट ओवर हियर। अमृत से लाइन पढ़नी शुरू करो। आर यू गेटिंग जो मैंने आपको बोला है? अमृत ने भी कॉल नहीं दी, वरुण ने भी कॉल नहीं दी। मैं पहले सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री करूंगी, फिर रिसीव की करूंगी, ठीक है? चलिए जी करवाइए। कितने शेयर्स पे? 40,000 शेयर्स पे, क्योंकि अभी तक कोई शेयर फॉरफिट नहीं हुए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल ठीक 80,000। वरुण के पास कितने शेयर हैं? वरुण के पास कितने शेयर हैं? अलॉटेड गिवन है 2,000। अमृत के कितने शेयर थे? 1,600। ओवरऑल 3,600 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगी। 3,600 शेयर्स के ऊपर जब फर्स्ट कॉल नहीं मिलेगी, मेरा माइंड में एक आसान सा तरीका आ गया, 3,600 इंटू 2 कर दूं तो 7,200 सीधा इसमें से माइनस कर दूं, बाकी मिल गया। कर सकते हैं ना इसे? 80,000 माइनस 72 कितना बनेगा? 72,800, बिल्कुल ठीक। एंट्री कर दो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरियर कर दूं, बिकॉज वंस आई ओपन आई विल कंटिन्यू विद द सेम। जब मैंने अलॉटमेंट की एंट्री में कॉल इन एरियर ओपन किया तो व्हाई नॉट हियर? मैं नेट से नहीं ना करूंगी। ये नहीं है कि एक ऊपर वाली एंट्री में मैं कोई और रूल फॉलो करूं और नीचे वाली में कोई और। वंस आई ओपन कॉल इन एरियर आई विल बी ओपनिंग इन ईच एंट्री, ठीक है? कॉल इन एरियर अभी आपने बोला 72,800 मिल गया, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद तो नहीं हुए फॉरफिट, सेकंड कॉल भी ड्यू करें। सेकंड कॉल कितनी? 120 करिए जी। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल, दैट इज 1,20,000। फिर से कितने शेयर्स पे क्या नहीं मिला? 3,600 शेयर्स के ऊपर रुपीज फ्री के हिसाब से नहीं मिला, 10,800 नहीं मिला, ठीक है? 1,20,000 में से जब 10,000 माइनस किया तो 110,800 और माइनस किया, 1,09,200, ठीक है जी? करवाइए एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1,09,200, कॉल्स इन एरियर 10,800, टू शेयर सेकंड कॉल 120, डन। चलिए जी, अब मैंने सब कुछ मेरे माइंड में है और मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, वरुण और अमृत दोनों के शेयर फोरफिट होने हैं, फुली कॉल्ड अप है, कोई भी इस बात से डिनाई नहीं कर सकता। शेयर कैपिटल इज गोइंग टू बी डेबिटेड विद रुपीज 3,600 इंटू 10, 36,000, एम आई राइट? प्रीमियम रुपीज 2, आप सोच समझ के जवाब देना। वरुण के ऊपर प्रीमियम कुछ भी ड्यू नहीं था, ठीक है? बात सिर्फ अमृत की होगी, मैं कंबाइन एंट्री कर रही हूँ। अमृत के शेयर्स के ऊपर प्रीमियम नहीं मिला, अमृत के शेयर 1,600 थे, 1,600 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3,200 रुपया आप प्रीमियम में डालोगे। सजा के 3,600 को 2 से मत मल्टीप्लाई करने बैठना, क्योंकि 2 कैटेगरीज ऑफ शेयर्स हैं, एक के ऊपर अलॉटमेंट मिली या दूसरे पे नहीं मिली। जिस पे अलॉटमेंट नहीं मिली उसी का प्रीमियम डेबिट होगा ना, और अमृत के शेयर्स के ऊपर प्रीमियम नहीं मिला था। हियर यू नीड टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू नीड टू बी वेरी एक्टिव व्हाइल मेकिंग द कैलकुलेशन। देखो 3,200 ही है डेबिट, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्यों करेंगे? हम कंबाइन करेंगे ना। मैं हर स्टेप बताऊंगी आपको। शेयर कैपिटल डेबिटेड 1,000 अमृत के, 1,600 अमृत के, 2,000 वरुण के, 3,600 फुली कॉल्ड अप। प्रीमियम इज टू बी डेबिटेड ओनली व्हेन इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड ऑन अमृत शेयर, इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। SPR debited. Amrit shares are 1,600 into 2, 3,200. Two share allotment. वैसे तो मैंने सारा cause in area में डाला है, पर better है अपने आप को differentiate करने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो मैं allotment अलग कर देती हूँ। और allotment की amount मेरे को याद है 7,360, ठीक है? Two share allotment. बाकी cause in area में डाल दें। This is allotment.
बोलो जी, फर्स्ट कॉल का कितना नहीं मिला था? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट कॉल का 7200, सेकंड कॉल का कितना नहीं मिला? 10800। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, बैलेंसिंग फिगर एसएफ निकाल लो ना, कोई जरूरत नहीं अब जो हो गया रिसीव के नहीं, सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकाल, ठीक है? Has he reissuing these shares? No. Question यहीं पे खत्म. Come at the back exercise. Now it's your turn. You will solve and I will check your answers. दो या hardly तीन दिन मैंने और लगाने, ठीक है? Then be ready with your that book or ratio analysis की जो एक topic रहता है, पहले वो complete करेंगे and then ratio रहती है ना last वाली profitability ratios. पहले तीन ratios paper में आई थी, profitability ratios अभी रहती है. अंशुल सिट स्ट्रेट, बताने लगे. कम एट द बैक एक्सरसाइज. सेवेंटी सिक्स करते हैं. अल्फा लिमिटेड 76 क्वेश्चन फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज. अल्फा लिमिटेड बोर्ड का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है पूरा क्वेश्चन.